ये थाना नानोता क्षेत्र में गांव पड़ता है ढाकादेई, जहां पर कि कल होली के पर्व पर दो पक्षों में आपस में कहासुनी हुई, फिर उसके बाद इनमें लाठी डंडे चले, जिसमें कि एक जो व्यक्ति है कश्यप समाज से, इसकी मृत्यु हो गई। इसमें उन लोगों के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें कि 15 लोगों को नामजद किया है, जिसमें हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी दबिश दी जा रही है और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वैधानिक मैं डॉक्टर पीयूष त्यागी हूँ। सर, आप कुछ पेशेंट आए हैं और एक मृतक अवस्था में भी आया है, तो क्या बताऊँ? हमारे पास में 4 लोग आए थे, बिंदु राज कश्यप जो मृत अवस्था में थे वो ब्रॉड डेड थे, और 3 लोग अश्वनी, प्रीतम और सुनील लाए गए थे। ये मामला ढाका देवी थाना ननोता का है। इसमें अश्वनी, प्रीतम और सुनील की कंडीशन स्टेबल है, इनका सिटी स्कैन हो चुका है जिसकी रिपोर्ट 4-5 घंटे में आ जाएगी। हैं इस समय ये कल 9 बजे, रात 9 बजे इनको भर्ती कराया गया था। ये क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ के रहने वाले? ढाका देवी। ये क्या मामला क्या हुआ है? ये मामला त्यौहार था जी, तो त्यौहार पर बाहर भी इनका वही रहता है, एक तो सब गाँव में आए थे त्यौहार मनाने के लिए, खेत में अपने घूमने के लिए गए थे। चल भाई खेत में देख ला, खेत में बैठ कर चर्चा करे थे, भाई बहन की शादी है अगले महीने 24 तारीख की, और कैसे करोगे कैसे नहीं शादी सर पर है भाई, तो उसको विचार विमर्श करते हुए आ रहे थे। अब इन लोगों ने पी रखी थी दारू दूरू, और त्यौहार का वो था, अब इन्होंने इसको इनको रोक क्या जगाते हुए इनकी है जी, खेत से निकल तो सार जी बस कारण पता चला कुछ झगड़ा था या कोई न कोई पिछले झगड़ा तो था नहीं जी, बस मैंने में आप बातचीत करते रहे थे अपने आप पर, तो बस बातचीत उन्होंने सोचा भाई मेरे से गाड़ी गिरफ्तार करें। हाँ हुई जी गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है इनका जिन लोगों ने मारपीट की है? भाई ये मकान सर तो कौन कौन नाम है ये मेरा तक इनका क्या नाम है? बिंदराज है, लुक्तिराम। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हुई? नहीं वो हो रही जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, इसी बात नहीं कार्रवाई हुई जी। क्या नाम है आपका, कहाँ के? मेरा नाम विजय कश्यप है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में, और कल मुझे सूचना मिली तो लगभग 5:30 बजे के करीब ये झगड़ा हुआ गांव में। कौन सा गांव में झगड़ा? ढाका दे गांव में, और काफ़ी मात्रा में लोग जो SC समाज के लोग थे वो जो भी जाता रहा उसे ही वो मारते रहे, जितने लोग जाते रहे एक एक दो दो लोग गए, जैसे बेचारे छुटाने के वास्ते गए, किसी ने समझदारी की बात नहीं की, वो टोटल मारने की वो हुआ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? झगड़ा किसी बात से नहीं है, लोग जा रहे थे, उनका खेत है पास में, क्या नाम है उसका? जी क्या नाम? बिंदराज, और लोथी उसके पिताजी का नाम है बिंदराज के, और मास्टर थे सब लोग, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो जो भी जाता रहा उसी के वो मारने की कोशिश करते रहे, छुटाने वाला कोई नहीं। जो समझदार आदमी सुखपाल प्रधान है, मोदी देवी प्रधान था, उनके सबके चोटें लगी हुई हैं, काफ़ी लोगों के चोटें लगी हुई हैं, विक्रम मास्टर जी हैं। ये जो मृतक है इनका क्या नाम है? बिंदराज। जो लड़का मर गया, मृतक का नाम बिंदराज है। प्रशासन पहुंच गया था, SSP जात पहुंचे, इंस्पेक्टर ब्रिजी जो रामपुर थाना ननोता है, इंस्पेक्टर ने बेचारे ने मदद करी, SSP जात भी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम लोग सब रात 9 आदमी रेस्ट हो चुके हैं जो जिनके नाम थे, 15 लोगों के नाम मुकदमा है जो भी है हम लोगों को दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना हुई, कोई भी आदमी हो किसी भी जाति का हो मिलजुल के रहना चाहिए, देश हमारा है, इससे ये नहीं है कि हम लोग मारें। अब जिनका मर गया है वो बहुत ही गरीब परिवार से, 2 बच्चे हैं, बच्चा 2.5 साल का है, एक 6 महीने का है, बड़ी घटना है। 3 भाई हैं, 4 भाई हैं लोग, इंदिराज एक बहन है। हमारी मांग है जो भी आदमी हो मुलजिम हो उसे सजा मिले और आगे क्राइम ना बढ़े, उसे न्याय मिलना चाहिए, हमारी और क्या मांग है, हम लोग तो यही चाहते हैं, प्रशासन से यही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ जोगी जी से कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को रोकने का काम करें और प्रशासन को सख्त करें, जो भी कार्रवाई करने का काम करें, और हम लोगों की क्या मांग करनी चाहिए, हम लोग तो भाई गरीब परिवार से पैदा हुए हैं, तो मरने के वास्ते पैदा हुए हैं, लोगों ने कहा। अब कोई भी आदमी है कश्यप समाज एक बहुत गरीब समाज है, इसको मारने का कोई भी हत्या का काम कर देता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो प्रशासन ने रात बड़ी मदद करी है, SSP देहात मौके पर, ऐसे लोगों का बेचारों के बच्चे जीत रहे हैं, बढ़िया आदमी है, वो कोई भी काम करते हैं सुनता है बेचारा, प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें, देखिए झगड़ा हुआ कोई प्रशासन किसी का झगड़ा नहीं कराता है कि कोई बेचारा वो सब हमारे बीच के लोग हैं, ठीक है नहीं तो